to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more bu- तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई लोग अच्छे होंगे, सभी लोग मजे कर रहे होंगे। भाई मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी मजे कर रहा हूँ। सो ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। तो भाई लोग, एक दो वीक से अपन ने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली जिसमें कि मैं अपना वॉइस डालूँ, और भाई मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बस ड्रेस कॉम्बिनेशन डाल रहा था। तो आप लोग भाई ड्रेस कॉम्बिनेशन से बोर ना हो इसलिए मैंने सोचा कुछ यूनिक ट्राई करते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था टॉप 10 रेयर बंडल फ्री फायर के। तो भाई उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों का अच्छा खासा प्यार मिला। तो मैंने सोचा आज अपन वीडियो बनाते हैं टॉप 10 मोस्ट रेयर डायमंड रॉयल के बारे में। हाँ, अपन ऐसे डायमंड रॉयल के बारे में बात करेंगे जो भाई दिखने में अच्छे खासे हैं। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ वो रेयर हों, रेयर में भाई मज़ा नहीं है, जो दिखने में अच्छे खासे हों और भाई रेयर भी हों। तो अपन ऐसे डायमंड रॉयल की आज बात करेंगे। तो टॉप 10 अच्छे अच्छे मैं लिस्ट लेके आया हूँ। तो आप लोग भाई वीडियो को एंड तक देखो और भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे वीडियो में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नंबर 10 पे है अपना LC कमांडर बंडल। भाई ये बंडल बहुत ही OP बंडल है और अभी मैजिक क्यूब में भी अवेलेबल है। तो जिसके पास मैजिक क्यूब है वो भाई एक्सचेंज कर सकते हो। भाई ये बहुत ही अच्छा बंडल है। बहुत दिनों बाद गई ना फ्री फायर ने कुछ अच्छे बंडल निकाले हैं डायमंड रॉयल में, तो भाई वो इन्हीं में से एक है। और भाई दिखने में बहुत ही OP लगता है और भाई मैंने तो एक्सचेंज कर लिया है इसे मैजिक क्यूब से भाई, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा और प्यारा लगता है। और भाई अगर आपके पास मैजिक क्यूब पड़ा है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने भाई डायमंड रॉयल से निकाल लिया है तो कमेंट कर देना कि भाई हमने डायमंड रॉयल से निकाल लिया है इसको। भाई मुझे तो दिखने में ये बहुत ही अच्छा लगता था, मैं डायमंड रॉयल से नहीं निकाल पाया था क्योंकि भाई मैंने बहुत डायमंड खर्च किए थे फिर भी नहीं निकला था। तो अब अपन ने मैजिक क्यूब से एक्सचेंज कर लिया है, भाई ये दिखने में तो बहुत ही OP है। तो जिसके पास है भाई तुम लोग लक्की पर्सन हो, और भाई जिसके पास नहीं है तो वो एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो गाइस नंबर 9 पे जो अपना बंडल है वो है भाई टेक्नो हॉट बंडल। भाई ये डुओ में आया था, मतलब कि एक फीमेल का आया था और मेल का आया था। तो भाई मैं अपन मेल की से बात कर रहे हैं। तो भाई ये वाला बंडल भी बहुत ही अच्छा है, दिखने में बहुत ही OP बंडल है और भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बंडल। मगर मैं निकाल नहीं पाया था जब ये आया था क्योंकि भाई इसमें डायमंड खर्च होते थे, डायमंड रॉयल वाउचर इसमें यूज़ नहीं होते थे। इसमें वैलेंटाइन टोकन टाइप का एक टोकन था डायमंड रॉयल जैसा, वो यूज़ होता था। तो भाई मैं इसे नहीं निकाल पाया था। तो भाई मगर दिखने में तो ये बहुत ही OP है और भाई जिसके पास है भाई बहुत ही रेयर बंडल है। और बहुत सारे लोग भाई बाहर के सर्वर को और अपने इंडियन सर्वर के बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। भाई देखने में तो भाई ये बहुत ही अच्छा है और इसकी बॉल तो भाई कतई जहर है और भाई बहुत ही OP बंडल है यार, कुछ भी बोलो। तो चलो यार बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो गाइस नंबर 8 पे है अपना फॉर्च्यून टेल्स। भाई ये वाला बंडल बहुत दिनों पहले आया था, बहुत ही पुराने बंदों के पास ये बंडल है और भाई कभी भी लौट के नहीं आया। दिखने में तो भाई बहुत ही OP है, अपन मेल वाले बंडल की बात कर रहे हैं। ये भी डुओ में आया था, ये वाला बंडल भाई बहुत ही रेयर, भाई दिखने में तो भाई एक नंबर कतई जहर बंडल है। और भाई मुझे तो भाई ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था बंडल जब मैं गेम खेला करता था, मगर भाई अपने पास डायमंड नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, तो अपन ने नहीं लिखवाया था। मगर भाई दिखने में तो भाई बहुत ही OP बंडल है। तो चलो यार बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। सो गाइस नंबर 7 पे है अपना भाई समुराई वाला बंडल। और ये वाला जो समुराई वाला बंडल है ना भाई, ये बहुत ही OP है और बहुत सारे लोगों ने इसे निकाल लिया था। मेल समुराई सेट है ना, आए बहुत सारे निकाल लिया था। वो भाई सभी लोगों को पता है कि ये मैजिक क्यूब में आया था, मगर सबसे पहले भाई ये डायमंड रॉयल में था, उसके बाद भाई ये मैजिक क्यूब में आया था। और भाई देखने में तो भाई बहुत ही OP है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और भाई मेरे पास तो नहीं है, मगर भाई जिसके पास है यार कमेंट कर देना, मैं देखूंगा भाई किस किस के पास है ये वाला बंडल। तो चलो यार बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो गाइस नंबर 6 पे अपना जो बंडल है वो है भाई विजिलेंट बंडल, या फिर आप इसे बंडित बंडल भी बोल सकते हो। भाई इसका जो टॉप है, मतलब अपन शर्ट बोलेंगे, इसका जो शर्ट है भाई बहुत ही OP है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई मैंने जितने भी अपने इंडियन फ्री फायर के यूट्यूबर देखे, भाई बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। भाई मेरा फेवरेट भी है। और भाई जिसके पास है ना भाई, तुम लोग बहुत लकी हो, इसे पहन के खेला करो यार। और भाई ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा और OP वाला है यार। तो जिसके पास है खेला करो, तुम लोग बहुत ही लकी हो। तो बढ़ते नंबर 5 की तरफ। तो भाई नंबर 5 पे अपना जो बंडल है वो है भाई इसका लॉर्ड वाला, जो अपना डुओ में आया था। ये वाला बंडल आप देख सकते हो, ये वाला डुओ में आया था, वाला फीमेल और मेल का। भाई ये वाला बंडल भी बहुत ही रेयर है, बहुत कम लोगों ने निकाला था क्योंकि भाई ये डायमंड रॉयल में एक्सचेंज नहीं हो रहा था, डायमंड रॉयल वाउचर में एक्सचेंज नहीं हो रहा था, इसमें सिर्फ डायमंड ही लगाना था। तो भाई जिसके पास डायमंड रॉयल वाउचर थे वो तो इसे नहीं ले पाया, मगर जिसके पास डायमंड थे उन्होंने निकाल लिया। और भाई ये बहुत ही OP भाई बंडल है, तो भाई आप देख सकते हो। और भाई ये मेरे पास नहीं है, तो भाई जिसके पास है यार कमेंट करो, आपके पास जो जो भी बंडल है रेयर बारे, मतलब मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो भाई कमेंट कर देना कि भाई हमारे पास ये वाला बंडल है। तो चलो यार अपन बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। सो गाइस नंबर 4 पे है अपना भाई टॉप गेमर।
टॉप गेमर भाई बहुत सारे लोगों के पास है और भाई मेरे पास भी है। मुझे भाई ये पहले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अब तो मैंने इसे खेलना बंद कर दिया है, मगर अभी भी भाई बहुत ही अच्छा है और देखने में बहुत ही कूल लगता है। और जिस जिसके पास है कमेंट करना भाई। मैंने मैजिक क्यूब से एक्सचेंज किया था, मैंने डायमंड रॉयल से नहीं निकाला था। तो भाई जिस जिसने डायमंड रॉयल से निकाला या फिर मैजिक क्यूब से एक्सचेंज किया है तो भाई कमेंट कर देना कि हमारे पास ये वाला बंडल है टॉप गेमर वाला। मैं देखूंगा भाई, सबकी कमेंट रीड करूंगा मैं। और भाई ये वाला देखो यार बंडल, ये डायमंड रॉयल में आया था सबसे पहले, उसके बाद मैजिक क्यूब में आया था। और भाई जितने भी डायमंड रॉयल में बंडल आते हैं वो फिर बाद में मैजिक क्यूब में आ जाते हैं, मगर कुछ बंडल नहीं आते जो कि भाई देखने में अच्छे वो होते हैं, वो नहीं देते भाई गरीना वाले, बाकी भाई ऐसे बंडल दे देते हैं। तो भाई नंबर 4 पे अपना ये रहा बंडल जो कहे है टॉप गेमर। सुगज नंबर 3 पे है अपना इलेक्ट्रिक शॉक, आप इसे एस के सबीर बॉस वाला भी बंडल बोल सकते हो, क्योंकि एस के सबीर बॉस इसका हेयर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भाई ये बंडल इतना रेयर हो चुका है, वरना भाई ये इतना खास नहीं है दिखने में। बाकी भाई इसके हेयर तो बहुत ही ओपी है और भाई मुझे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, मगर बाकी जो बॉडी पार्ट है मतलब कि पैंट और शर्ट है भाई वो इतने खास नहीं है, मगर हेयर तो भाई एक नंबर है। तो जिस जिसके पास है कमेंट में बता देना, पहले डायमंड रॉयल में आया था, उसके बाद ये भाई अपना लूडो वाले इवेंट में आया था। तो भाई ये रहा अपना नंबर 3 बंडल। तो भाई नंबर 2 पे है अपना जोकर वाला बंडल, भाई बहुत ही रेयर और दिखने में बहुत ही ओपी। भाई जो भी जोकर का मास्क लगाता है ना उसे भाई सभी लोग प्रो समझते हैं, क्योंकि भाई उसके पास जोकर वाला बंडल है और भाई ये बहुत ही अच्छा है दिखने में, क्योंकि भाई सबसे पहले यही जोकर का बंडल आया था और भाई फ्री फायर वालों ने जो डिज़ाइन किया ना बंडल बहुत ही ओपी है यार ये वाला बंडल। तो जिस जिसके पास है कमेंट कर देना भाई। मेरे पास भी है, मैंने इसे मैजिक क्यूब से एक्सचेंज किया था, बाकी सबसे पहले ये डायमंड रॉयल में आया था। तो भाई नंबर 1 जो बंडल है वो है भाई अपना आर्टिक ब्लू बंडल, दिखने में बहुत ही ओपी और एक नंबर बंडल। भाई ये 3 बार गेम में अवेलेबल हो चुका है, मगर भाई अभी भी ये रेयर और भाई दिखने में तो भाई बहुत ही खास है। तो भाई इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि भाई मेरा फेवरेट भी है। आप नंबर 1 पे किसी और को भी रख सकते हो, मगर भाई मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो पर्सनल बहुत ही प्यारा लगता है वो है भाई आर्टिक ब्लू, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो आप उसे नंबर 1 पे रख सकते हो, बाकी भाई मैंने तो आर्टिक ब्लू रखा है। और आप कमेंट में बताना यार कि आपका फेवरेट बंडल कौन है। भाई मेरा तो आर्टिक ब्लू है और भाई सबसे पहले डायमंड रॉयल में आया था, तो भाई ये डायमंड रॉयल का ही बंडल है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, मगर कर दिया करो यार।